उसी मुड़े इस बेचारी मुर्गी को यार लकवा लग गया, ये पैरालाइज होगी इसकी गर्दन। ये यार अभी चूजों की कंडीशन थोड़ी पहले से तो बेटर लग रही है मुझे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल विशाल एंड काजल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है संडे भाई, और संडे को है बहुत सारे काम क्योंकि मेरे चूजे यार ना बीमार हो गए। बीमार कैसे हो गए? ठंड पड़ रही है, हालांकि हमने केयर तो बहुत सारी करी है उनकी, बट फिर भी पता नहीं यार कैसे बीमार हो गए, समझ सा नहीं आया। ये सिम्बा, ये इसका पेडिग्री, और भाई ये भी अब बहुत ना शैतान टाइप्स हो गया, बिना पेडिग्री की ग्रेवी के खाता ही नहीं है, पहले ऐसे ही खा जाता था रुखा, अब इसको भी भाई नखरे आ गए। ये ग्रेवी हम थोड़ी सी मिक्स कर देते हैं इसमें ताकि इसको बस फ्रेगनेंस आ जाए, फ्लेवर आ जाए उसको, और ये खा ले। ये वाली है ब्लैक टेट्रा, और ये वाली है पेंसिल, ये भी टेट्रा की ही कैटेगरी में आती है वैसे। और दो हम लेके आए हैं एल्गी ईटर येलो कलर की, और भाई उन्होंने जो काम किया ना, गजब काम कर दिया भाई, पूरा एक्वेरियम काई से भरा हुआ था सारा साफ कर दिया। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, ये गत्ते ही पेटी लेके आऊँ ताकि चूजों को इसके अंदर डालूँ, डॉक्टर के पास लेके जा सकें इसके अंदर, क्यों ताकि हवा पास ना हो यार। अपने बड़े मुर्गे अभी हमने खुले छोड़ रखे हैं बाहर ताकि धूप वूप सेक लें थोड़े से, जो मिड रेंज वाले बच्चे हैं उनको अभी अंदर ही बंद कर रखा है। अपने चूजे भी बड़े हो गए भाई, एक के ऊपर बैठा डर गया, और इस बेचारी मुर्गी को यार लकवा लग गया, ये पैरालाइज होगी इसकी गर्दन, इसको दवाई दे रखी है तो ठीक है, ये भी हो जाएगी जल्दी ठीक। और इस सेक्शन में है अपने छोटे छोटे चूजे, देखो यार बल्ब लगा रखा है, उसके बाद भी कुछ इसमें से बीमार हो गए हैं, ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बीमार है वाला। अभी लेके चलते हैं इनको डॉक्टर के पास, इनको सबसे पहले तो इनको पैक करता हूँ पेटी में, फिर लेके चलते हैं इनको डॉक्टर के पास। सर ये गत्ता अपने ले लिया, और अंदर एक छोटी सी ना हमने चुन्नी भी डाल दी ताकि इनको थोड़ा सॉफ्ट सी फीलिंग होए, और अब एक एक करके इन सब चूज़ों को इसमें शिफ्ट करते हैं आराम से। पहले वाइट वालों को करते हैं, थोड़े ज़्यादा बीमार हैं। और भाई ये इसका बेड ऑर्डर किया हमने, इतना बड़ा सा, इसी में पड़ा रहता है पूरा दिन ऐसे उल्टा हो गया, और ये कुशन है इसका छोटा सा, इसके साथ खेलते रहेगा। हैं सिमुड़े, ओ सिमुड़े, ओ सिमुड़े, आलसी हो गया भाई जब से बेड आया, एक्टिव हो गया अभी ओ सिमुड़े पागल हो गया है ओ भाई अलमारी को क्या हो गया है ये भाई अली का बेड, तो सिम्बा का बेड हमें क्यों मंगाना पड़ा, इन दोनों के बीच में होती थी लड़ाई कि इसमें सोएगा कौन एग्जैक्टली, भाई ये बनाने नहीं दे रहा वीडियो, पागल हो गया। नो बेटू, अभी एली इसमें सोती थी, सिम्बा इसमें आके सो जाता था, एली फिर सिम्बा को भाई जो गुर्राती थी ना, इसलिए सिम्बा का अलग बेड मंगाना पड़ा हमें। अभी हम आए हैं जैन हॉस्पिटल जो कि है सदर बाज़ार गुड़गांव में, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो आप यहाँ पे आके अपने बर्ड्स का इलाज करा सकते हैं और अपने हिसाब से कुछ डोनेशन वगैरह यहाँ दे सकते हैं। यहाँ चूज़ों को डॉक्टर को दिखा तो लाए तो उन्होंने दवाई दी है कि एक ए सी सी है, एक ये थोड़े से डार्क कलर में, तो एक एक ड्रॉप इनको पिलानी है, उसके बाद टेरामाइसिन का पाउडर आता है और एक विमराल आता है मल्टीविटामिन, वो इनको पानी में मिला के देना है। अब ये डब्बा खोलूँगा, अंदर देखना सारे ना ऐसे बिछे पड़े हैं, फैल के बैठे हुए बिल्कुल। ये देखो कैसे बैठे हैं सारे के सारे। अब इनको फटाफट एक एक ड्रॉप पिलाते हैं और अंदर भी छोड़ते हैं अपनी माँ के पास, और उसके बाद इनको पानी में टेरामाइसिन का पाउडर और मल्टीविटामिन देंगे। मैं इस मोमेंट की बात कर रहा था कि जब से बेड आया है तो ये ऐसे फैल के सोता है, उल्टा होकर सोता है भाई पूरी रात, तो अभी मुझे एकदम से दिखा तो मैंने शूट कर लिया। शाम हो गई है, वापस से ऊपर आया हूँ यार, चूज़ों को देखते हैं कैसे हैं। तो आज की भाई दवाई तो इनको दे दी, अभी एक डोज और देनी है, बाकी पानी में तो हमने टेरामाइसिन और विमराल मिला ही रखा है। कंडीशन थोड़ी सी सही लग रही है मेरे को पहले से, मूवमेंट तो है इनमें थोड़ी सी सही से, बाकी थोड़ा एक दो दिन बाद ही पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट है। ये वाला सबसे ज़्यादा वीक है, बट ठीक है, उठ के अब जा रहा है, खाना वाना भी देख रहा है, खा रहा है।
और अब इस मुर्गी को भी यार थोड़ा बाहर छोड़ते हैं, थोड़ा सा खुद से घूमेगी, गर्दन सीधी करने की कोशिश करेगी। अभी तो बेचारी ऐसे ही है, अभी हाथ से खिलाना पड़ता है इसको। सिम्मा सबको देखता है कौन क्या कर रहा है। थोड़ा साइड में इसको ना प्लांट्स के पास छोड़ के देखते हैं ताकि खुद से चले फिरे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज नेक्स्ट डे। मैंने कल वीडियो इसलिए एंड नहीं करी थी क्योंकि दिखाना था कि अभी चूजों की कंडीशन क्या है, मुझे भी नहीं पता वैसे कैसी है। अंदर जाते हैं, अभी देखते हैं चल के। तो पर्दा वर्दा इनका थोड़ा शोर ज़्यादा है, अभी पर्दा वर्दा सब हटाते हैं और चूजों की कंडीशन देखते हैं कैसी है। ये यार अभी चूजों की कंडीशन थोड़ी पहले से तो बेटर लग रही है मुझे, क्योंकि देखो हाथ लगा रहा हूँ सारे एकदम भाग रहे हैं। पहले एकदम ऐसे सुस्त से खड़े थे, ये था सबसे वीक वाला ना। अभी तो ये भी थोड़ा बहुत चल रहा है, और दाना इसमें थोड़ा सा दाना नहीं डाइजेस्ट हो गया। और पीछे से देखता हूँ इसकी कैसी है। अभी बीट तो थोड़ी सी सही कर रहा है, पहले से भाग भी रहा है ठीक है। और ये अपनी यार जो पैरालाइज मुर्गी थी, इसको भी थोड़ी देर भाग छोड़ूंगा। पहले सबसे पहले गर्दन इसकी भी थोड़ी सी सीधी लग रही है आज। और ये अपने भाई बड़े वाले, और देखो एक ने तो अंडा भी दे रखा है, ब्लैक वाली ने दिए शायद। और अपने बाकी के बच्चे यहाँ पे सारे। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो पता है आपको क्या करना है, हर बार की तरह लाइक शेयर कमेंट, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी तक सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय फ्रॉम सिम्बू एज वेल। ये एक्साइटेड हो जाता भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में भाई। बाय बाय।